जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आप सभी को कैलेंडर न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2022 का साल अब समाप्ति की ओर है, अर्थात आज के दिन जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय 2023 का साल आरंभ हो चुका है और आज उसका पहला दिन है। इसीलिए आपको कैलेंडर न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाई। लेकिन दर्शकों, इसके साथ ही एक बात है जो आज मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं और ये कहीं ना कहीं आपके मन के भ्रम को भी दूर जरूर करेगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही कुछ लोग नए साल की बधाई देते हैं तो उसके काउंटर में कुछ मैसेजेस आते हैं कि हमारा नया साल तो आज नहीं है, हमारा नया साल तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आएगा, अर्थात मार्च अप्रैल में आता है। ऐसे में क्या ये बात सोचना कि आज हमारा न्यू ईयर नहीं है, आज तो किसी और का न्यू ईयर है, हमारा न्यू ईयर तो अप्रैल में आएगा, मार्च में आएगा, क्या ये बात ठीक है? या इसके पीछे भी कुछ भ्रांति ऐसी पनप रही है जिसे नहीं पनपने देना चाहिए? इसी बात पर मैं आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य रख रहा हूं, इसके पश्चात आप स्वयं निर्णय कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहली बात, हम एक बात को समझते हैं कि जो नववर्ष आज मनाया जा रहा है यानी 1 जनवरी 2023, इसे आप कैलेंडर न्यू ईयर कह सकते हैं। यानी हमारा जो वार्षिक कैलेंडर होता है इसका आज पहला दिन है, नववर्ष है, इसको आप ये कह सकते हैं और इसकी बधाई देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे हम अपने जीवन में बहुत जगह फॉलो करते हैं। आप किसी डॉक्यूमेंट में जब अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो आप ऐसे नहीं लिखते कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आप लिखते हैं 10 जनवरी 2002 या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखते हैं। तो क्या आप उसे लिखना बंद कर देंगे क्योंकि ये तो कैलेंडर ईयर है, आप इसको तो मानते ही नहीं हैं? हम जब विवाह संस्कार करते हैं तब भी हम डेट ऑफ जो हमारी मैरिज होती है वो भी अंग्रेजी ही होती है, लेकिन तिथि के अनुसार हम मुहूर्त निर्धारित करते हैं। अब बात समझिए कि इसमें और जो हम न्यू ईयर जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का मनाते हैं इसके बीच में डिफरेंस क्या है। दर्शकों, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के चक्कर को पूरा करने पर यानी उस समय को हम 365.25 डेज इसके लगते हैं। इसी को कैलकुलेट करके 12 महीनों का निर्धारण किया गया है। 4 साल के बाद में एक लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी 29 की होती है, अर्थात पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से निर्धारित होने वाला समय कैलेंडर ईयर कहलाता है। अब बताइए ये हिंदुओं का है, ये ईसाइयों का है, ये इसमें कहां एप्लीकेबल हो रहा है? सूर्य के परिक्रमा से आधारित जो समय निर्धारित किया गया है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं और ये तो सभी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए एप्लीकेबल होगा। और चूंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से रखा गया है इसीलिए अमूमन ये आसानी से फॉलो हो जाता है। चूंकि इसे हम ईसा पूर्व और ईसा के पश्चात की कैलकुलेशन से जोड़कर देखते हैं इसीलिए आपको लगता है कि शायद ये पाश्चात्य संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दर्शकों, ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे कोई गाना फिल्म का होता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसी गाने की ट्यून पर अगर कोई भजन बन जाए तो हम उसका आनंद लेते हैं। ये ठीक उसी तरह की परिस्थिति है। ऐसे में आप अगर किसी को बधाई देते हैं तो आप उसे कैलेंडर न्यू ईयर की बधाई दे सकते हैं क्योंकि नववर्ष तो 1 जनवरी से भी आरंभ होता है। लेकिन जो हम मनाते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये पंचांग के द्वारा निर्धारित यानी पंचांग से निर्धारित वर्ष होता है जो चंद्रमा के ऊपर आधारित है, अर्थात चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है
उससे जो उसका माह बनता है और 12 चक्कर पूरे करने पर हमारा एक वर्ष पूरा होता है, इसीलिए इसे चंद्रवर्ष के रूप में आप देख सकते हैं, यानी चंद्रमा से निर्धारित होने वाला समय। और इन दोनों के बीच में भी एक डिफरेंस आता है, लगभग 11 दिन का डिफरेंस होता है, यानी 11 दिन हमारा जो पंचांग का साल होता है ये छोटा होता है, और इसीलिए 3 साल के बाद में एक अधिमास आता है, अर्थात एक महीना एक्स्ट्रा जुड़ता है समय को कैलकुलेट करके पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए। जैसे इस वर्ष 2023 में अधिक मास होगा, अर्थात एक माह एक्स्ट्रा होगा सावन के बाद में। अब दर्शकों, जो हमारे वैदिक जितने भी रीति रिवाज हैं, विवाह संस्कार हैं, शुभ मुहूर्त हैं, जो हम ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित करते हैं, वह सभी पंचांग के आधार पर होते हैं, और उसी के लिए हम तिथि नक्षत्र और उनकी स्थिति को फॉलो करते हैं। और इसीलिए हम जो नववर्ष मनाते हैं, विक्रम संवत नववर्ष जो हम मनाते हैं, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के आधार पर मनाते हैं। अब इसको मैं यहां पर एक लाइन में और थोड़ा सा आपको समझाता हूं। चूंकि वैदिक समय पर ना तो कंप्यूटर हुआ करते थे और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे ये बात समझ नहीं आती थी, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा क्या होती है, पोष का माह क्या होता है, क्योंकि उस समय पर वो इसी तिथि नक्षत्र के आधार पर सारी चीजें किया करते थे। तो उस समय पर दिनों का निर्धारण ऐसे नहीं होता था कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो ईसा के बाद से शुरू हुआ, यानी ईसा के आज से 2022 साल पहले से चीज शुरू हुई है, लेकिन हमारा विक्रम संवत्सर तो उससे भी पहले का है, तो हम उसी चीज को फॉलो करते थे। लेकिन जब इसको लोगों ने देखा कि इसे भी थोड़ा शुद्ध किया जा सकता है, अर्थात सूर्य के परिक्रमा पथ के आधार पर इसका नववर्ष का निर्धारण किया जा सकता है, तो एक मॉडिफाइड रूप हमारे सामने आया, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के 12 महीनों का और 30, 31 और 28 और 29 दिन फरवरी के, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया, तो ये एक सहज रूप हमारे सामने था और उसे वो लोग फॉलो किया करते थे। चूंकि अंग्रेज भारत में आए, इसीलिए कैलेंडर ईयर भी हमारी संस्कृति में सम्मिलित हुआ, और जब सारी संस्कृति आपस में एक दूसरे को पहचानने लगी, तो व्यवहारिक तौर पर कैलेंडर ईयर लोगों को ज्यादा इजी लगा और उन्होंने इसे वैश्विक तौर पर स्वीकार करना आरंभ किया। और फिर जब कंप्यूटर हमारे जीवन में आए, तो इन्होंने इसे और ऑथेंटिक बना दिया, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और इस आधार पर दिनों का निर्धारण नहीं कर सकते। आप जरा कल्पना कीजिए, आप किसी को चेक दें और उस पर डेट लिखी हो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2080, तो आप सोचिए थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब आप इसको करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा अनइजी होगा। इसीलिए कैलेंडर ईयर को भी पंचांग के अंदर स्थान दिया गया है, और इसीलिए आप पंचांग में देखेंगे एक तरफ अंग्रेजी तारीख होती है और उसके साथ में हमारी जो हिंदी तारीख है, जो हमारा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, और उसकी जो तिथि होती है वो अंकित होती है, अर्थात दोनों का कॉम्बिनेशन आपको पंचांग में देखने को मिलता है। यानी पंचांग निर्माता भी इस अंग्रेजी तारीख को फॉलो करते हैं, उसका समावेश अपने पंचांग में करते हैं, ताकि हमें यह पता आसानी से लग सके कि इस डेट को तिथि क्या है या ये तिथि किस तारीख को पड़ रही है। इसीलिए जो वर्तमान के अंदर हमारा पंचांग होता है, जिसे एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो करते हैं, उसमें भी अंग्रेजी तारीख और पंचांग की तिथियों का, अर्थात जो हमारी तिथि होती है, उन दोनों का समावेश होता है। इसीलिए व्यवहारिक तौर पर हमारे दैनिक कार्यों के अंदर आप अंग्रेजी कैलेंडर को इस्तेमाल कीजिए, और हमारे रीति रिवाज संस्कृति के अंदर जो हम पूजा पद्धति अपनाते हैं, उसमें हमारा पंचांग जो वैदिक कैलेंडर है वो यूज होता है। इन दोनों की अपनी अपनी जगह पर स्थिति है, इनकी उपयोगिता है। हम केवल अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करें तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम तो तिथि नक्षत्रों को भी मानते हैं, और हम केवल तिथि नक्षत्रों को ही माने, अंग्रेजी कैलेंडर को नहीं माने,
तो हमारा व्यवहारिक जो हमारा लेन देन है वो पूरा नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का एक समावेश वर्तमान में हमारे सामने चल रहा है। इसलिए दर्शकों, आप किसी को जब नववर्ष की बधाई देते हैं तो आप उसमें ये जरूर कह सकते हैं कि कैलेंडर न्यू ईयर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, या हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी कैलेंडर न्यू ईयर। यानी आप बधाई तो दे रहे हैं नववर्ष की, लेकिन कैलेंडर ईयर की बधाई दे रहे हैं। और नववर्ष जो हमारा आरंभ होगा वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में नववर्ष वो होगा, उस दिन भी हम बधाई जरूर देंगे, लेकिन कैलेंडर ईयर को इग्नोर करना या इसे किसी धर्म विशेष से जोड़ करके देखना और इसमें हीन भावना का समावेश करना, ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मुझे लगा कि नववर्ष पर इससे बढ़िया उपहार मैं आप लोगों के लिए क्या दे सकता हूं, इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।